लखनऊ शहर बना जंग का मैदान, जेपी के नाम पर बीच सड़क जमकर मचा बवाल। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की अगुवाई में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी सेंटर नहीं जाने दिया गया। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी की पूरी फौज सड़क पर उतर आई। अखिलेश यादव को रोक लिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस के लोग और अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है। और ये इतनी बड़ी बैरिकेड लगाई गई है, बैरिकेड के बाद एक और बैरिकेड लगाई गई है, उसके बाद लठ लगाया गया है, बल्ली लगाई गई है और उसके पीछे अर्धसैनिक बलों के जवान मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है बैरिकेड चढ़कर का बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। बवाल बढ़ने लगा, पुलिस की भारी फोर्स तैनात थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। जेपी सेंटर में माल्यार्पण के लिए न जाने पर अखिलेश अपने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति ले आए और माल्यार्पण किया। सवाल उठता है कि आखिर लखनऊ के जेपी सेंटर में अखिलेश को क्यों नहीं जाने दिया गया। इस पर प्रशासन का पक्ष जानना जरूरी है। एलडीए का कहना है कि इस वक्त सेंटर में हर जगह निर्माण सामग्री फैली हुई है, जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त अखिलेश का वहां जाना ठीक नहीं। खैर, अखिलेश ने घर के बाहर जेपी की मूर्ति पर माला पहनाकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। इसी सेंटर में जाने पर पिछले साल भी बवाल हुआ था, तब अखिलेश दीवार फांदकर जेपी सेंटर के अंदर घुस गए थे। इस बार प्रशासन तैयार था, इसी वजह से अखिलेश जेपी सेंटर तक पहुंच नहीं पाए। आपके लिए इस सेंटर के इतिहास को जानना जरूरी है कि आखिर क्यों जेपी की जयंती पर संग्रहालय में जाने को लेकर बवाल मचा रहता है। 2006 में मुलायम सिंह यादव ने 17 करोड़ की लागत से परियोजना का प्रस्ताव रखा था और 2 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो परियोजना रुक गई। 2013 में अखिलेश सरकार के दौरान परियोजना फिर से शुरू हुई। अक्टूबर 2016 में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान संग्रहालय की ज्यादातर सुविधाएं अधूरी थी। 2017 में योगी सरकार ने संग्रहालय के निर्माण की जांच शुरू कर दी। इसके बाद से निर्माण अधूरा है और पब्लिक की एंट्री भी बंद है। अखिलेश ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को भी खींच लिया और जेपी के अपमान पर केंद्र से समर्थन वापसी की सलाह दे डाली।